संध्या किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दूध की खीर, जो बहुत ही मजेदार और लाजवाब होने वाली है। दूध की खीर तो आपने बहुत बार खाई होगी, ये कुछ अलग तरीके की है। चाहिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। दूध खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, आधी कटोरी शक्कर, शक्कर आपके हिसाब से आप ले सकते हो कम या ज़्यादा, 4 से 5 इलायची को मैंने पाउडर कर लिया है, 8 से 10 मैंने बादाम लिए हैं उसके टुकड़े कर लिए, 8 से 10 मैंने काजू लिए उसके भी टुकड़े कर लिए, एक खाने का कलर है उसको हमें थोड़ा सा मिलाना है। तो दूध को उबालने के लिए रख देना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। दूध हमारा उबलना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। इसे हमें ऐसे ही और 10 मिनट के लिए उबालना है। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे फ्रेंड्स, दूध भी हमारा थोड़ा कम हो चुका है, देख सकते हो आप। इसको मैंने फास्ट फ्लेम पे थोड़ा हिला लिया था बीच बीच में, फ्लेम हम एकदम स्लो कर देते हैं। जो हमने इलायची का पाउडर बना के रखा था वो हमको इसमें डाल देना है, थोड़ा सा हम चला लेंगे। आधी कटोरी हमें यहाँ शक्कर लिए वो भी हम इसमें डाल देते हैं। काजू और बादाम जो हमने कट करके रखे थे उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। आपको और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हो तो ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे मैंने जो कलर लिया था खाने वाला उसमें हम थोड़ा दूध मिला लेते हैं, इसको हिला के इसमें ऐड कर देते हैं, इससे अच्छा कलर आएगा दूध का। तो फ्रेंड्स आप कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, हम इसको यहीं पे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं हमारे फ्रेंड्स, देख सकते हो आप कितनी अच्छी और लाजवाब दिख रही है हमारी खीर, बहुत मस्त लग रही है। ऐसे गर्मी में ऐसे ठंडी ठंडी खीर का मज़ा आप ले सकते हो। आप इसको पूरी के साथ भी खा सकते हो, ऐसे भी पी सकते हो। बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है हमारी खीर। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली रेसिपी, तब तक के लिए बाय।